बावल में अब नहीं दिखेगा अतिक्रमण। रेहड़ी वालों के साथ 28 को चेयरमैन की बैठक। बावल, नगर पालिका बावल के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह महलावत 28 सितंबर को रेहड़ी वालों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ निर्णय भी लिए गए हैं जिनको इस बैठक के बाद लागू कर दिया जाएगा। महलावत ने कहा कि अब रेहड़ियों पर नंबर लिखे गए हैं और इनकी जगह भी तय की गई है। बावल के सौंदर्यकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है। 28 सितंबर को बावल के सभी रेहड़ी वालों की एक बैठक बुलाई गई है। रेहड़ियों पर नंबर डलवा दिए हैं जो 28 सितंबर की बैठक के बाद दे दिए जाएंगे। इसके बाद बिना नंबर मिली रेहड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। यह बैठक 11 बजे होगी। इस बैठक में सभी रेहड़ी वालों को अपने पास कचरा पेटी रखने के निर्देश भी दिए जाएंगे। जो इसकी अवहेलना करेगा उस पर जुर्माना लगेगा। चेयरमैन ने कहा कि जिनके पास पालिका की दुकानें हैं वे रेहड़ी नहीं लगवाएंगे और अपनी दुकान के अंदर ही सामान बेचेंगे। लक्ष्मण रेखा आज नंबरिंग, क्या नगर पालिका क्या करना चाह रही है इस बावल शहर का? बावल शहर को हम अतिक्रमण से मुक्त करवाना चाह रहे हैं और बावल शहर को हम एक सौंदर्यीकरण देना चाह रहे हैं, क्योंकि बावल जो एक ऐतिहासिक कस्बा था, नाभा स्टेट के समय जिला था, हम उस बावल को आज एक ऐसा सौंदर्यीकरण देना चाह रहे हैं जो अलग पहचान हो। जो बाजार में अव्यवस्था का माहौल था वो हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। जो रेहड़ी वालों के हमारे पास हमने आवेदन लिए थे, जो गरीब भाई रेहड़ी लगाता है, देखो सरकार की तरफ से रेहड़ी के लिए कोई कानून नहीं है और ना ही हम रेहड़ी लगा सकते हैं। चलती फिरती रेहड़ी है सरकार के लिए, लेकिन फिर भी हमने एक भी बाजार में चलती फिरती भी रहे, उनको जगह भी दी जाए, तो हमने इनसे आवेदन लिए थे। तो हमारे पास 200 के करीब आवेदन आए थे, लेकिन उनमें कुछ लोग बाहर के थे या कोई दुकानदार ने रेहड़ी लगवा रखी थी, उनको पैसे देकर, किसी भाई को 200 रुपया रोज में, किसी को 300 रुपया रोज में। तो जब हमने छटनी करी तो हमारे पास 116 फॉर्म सही पाए गए। हम सभी पार्षद साथियों ने बैठ के उनका मिलान किया और फिजिकल वेरिफिकेशन भी की हमने, तो 116 फार्म जो बावल के हैं, आसपास गांवों के हैं, वो सही पाए गए। आज जो हमने नंबरिंग की छोटूराम चौक से भगतराम चौक ग्रिल के दोनों तरफ और छोटूराम चौक से अम्बेडकर चौक तक ग्रिल के परली साइड में, प्राणपुरा साइड में, तो हमने जो नंबरिंग की है वो 127 रेहड़ी हमारी इसमें लग सकती है और फार्म हमारे पास 116 है। लेकिन तकरीबन दिक्कत हमें कहां आ रही है, हर रेहड़ी वाला ये चाहता है कि मुझे भगतराम चौक पे, छोटूराम चौक पे ही मुझे जगह मिले। सभी को एक मेन स्थान पर जगह हम नहीं दे सकते और ये जगह भी स्थायी रूप से नहीं है। प्रशासन, नगर पालिका जब चाहे जब इनको हटा सकता है। सरकार की एक स्कीम आ रही है कि भाई इनको कहीं स्थायी जगह दी जाए। अभी हमने 4 दिन पहले इनकी मीटिंग ली थी, कोई इनका लोन का प्रावधान था तो उसमें भी ये बात आई थी कि भाई इनको कोई बावल में जगह दी जाए। जब तक कोई स्थायी रूप से जगह ना हो तो ये भाई यहां पे चलती फिरती रेहड़ी लगा सकते हैं। लेकिन जो हमने नंबरिंग की है और जिस भाई को हम रेहड़ी देंगे नंबर के हिसाब से, उससे बाहर हम रेहड़ी नहीं लगने देंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे सप्ताह में 3 बार। जिस भाई ने आवेदन किया है वही एक गरीब आदमी ही रेहड़ी पे बैठ सकता है। ये नहीं अकबर किसी मजदूर को या पैसे देकर रेहड़ी पे बैठा दिया। और उस लक्ष्मण रेखा से अगर बाहर कोई इंक्रोचमेंट करेगा तो उसका चालान किया जाएगा और उसको रेहड़ी से वहां से नहीं लगने दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इन पे कोई चार्ज भी लगाया जाएगा नगर पालिका की तरफ से? नगर पालिका की तरफ से देखो रेहड़ी के लिए तो हम तय बाजारी ले सकते ना किराया, तो इनको जैसे इंक्रोचमेंट टाइप में ही आते हैं तो हम इनको जुर्माना लगाएंगे। भाई रेहड़ी लगाना अलाउ नहीं है, सरकार से मान्यता नहीं है और ये गंदगी फैलाते हैं, हमारे कर्मचारी इनकी सफाई करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, तो जो भी मुनासिब सभी पार्षदों से, सचिव महोदय से, जैसा भी होगा इन पर महीने में 3-4 बार जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि रेहड़ी जो है सरकार से परमिशन के तहत नहीं आती, चलती फिरती रेहड़ी स्ट्रीट रेहड़ी में आती है, गलियों में चले रेहड़ी। तो जैसा होगा वाजिब, जो जगह मेन है, जिस भाई की जैसी आमदनी हो रही उसी हिसाब से इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और 28 तारीख की रेहड़ी वालों की छुट्टियां रहती है तो 28 तारीख को हम अपने नगर पालिका का जो हॉल है सभी रेहड़ी वालों की उसमें एक मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हमारे अधिकारी भी होंगे, हमारे सभी पार्षद भी होंगे, इसकी सूचना कल हम उनको दे देंगे, उसमें हम उनको गाइडलाइन बताएंगे। अभी बाजार में जो है अतिक्रमण ना हो, अव्यवस्था का माहौल ना हो, किस हिसाब से आप रेहड़ी लगा सकते हैं, ताकि आम, हमारा नगर पालिका का मकसद क्या है, बावल की आम जनता, बावल 84 की जनता, जितने भी हमारे स्कूल हैं, जो बच्चे हैं,
उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, रेहड़ी वाले भी अपनी रेहड़ी लगाएं, अपनी रोजी रोटी कमाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाजार के जो रास्ते हैं खुले हुए हों, सौंदर्यीकरण हो, किसी को दिक्कत ना हो, तो उस हिसाब से हम लगे हुए हैं सारे। 28 तारीख इस टाइम मीटिंग होगी, 11 बजे हॉल में मीटिंग बुलाएंगे और सबको गाइडलाइन देंगे। हमें उनका कोऑपरेट चाहिए, नगर पालिका उनके साथ है तो वो भी हमारा सहयोग करे। और रेहड़ी जब लग जाएगी 29 तारीख से, उसके बाद जो हमारी गाइडलाइन है या जो हमारी लक्ष्मण रेखा है और जो हमने रेहड़ी अलाट कर दी, उसके बाद अगर कोई रेहड़ी वाला बदमाशी करता है, उस लाइन का उल्लंघन करता है या जिनको रेहड़ी अलॉट कर दी उनके बीच में लगाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दुकानदारों ने यह कहा कि हमारी लक्ष्मण रेखा पूरी 3 फुट के दायरे में नहीं खींची गई, उनको क्या कहेंगे आप? देखो, 3 फुट का कोई दायरा कानून का नहीं है। कुछ दुकानों के आगे बरामदा है, बरामदा अलाउ नहीं था, लेकिन नगर पालिका की कमजोरी की वजह से उन लोगों ने बरामदा पे कब्जा कर लिया। अब जो सरकार की पॉलिसी आई, अगले 20 साल जो लगातार किराएदार, उनको मालिक हक दिया जा रहा है। मालिकाना हक केवल दुकान का दिया जा रहा है, ना कि बरामदे का। बरामदे के मालिक आज भी नगर पालिका है। जो भाई ये कहते हैं 3 फुट का कोई प्रावधान नहीं है, उन भाइयों की दुकानों के आगे 5 फुट का चबूतरा है। 5 फुट का चबूतरा पहले बना हुआ है, अगर 3 फुट हम उनको जगह और दे दें तो दुकान के अलावा 8 फुट आगे हो और 1-2 फुट आगे और बढ़ जाएंगे। तो चबूतरा, जिस दुकान के आगे चबूतरा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे दुकान वालों की इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। जो दुकान कानून ने जो दुकान बनाई है, नगर पालिका ने दुकान बना के दी, दुकान का ही तो किराया ले रहे हैं उनसे, ना चबूतरा का किराया ले रहे, ना बरामदा का किराया ले रहे, ना लक्ष्मण रेखा का ले रहे, फिर भी उल्लंघन करते हैं, तो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब सब कुछ हो चुका है, 29 तारीख से हम कोई हमदर्दी नहीं होगी, कानून के दायरे में काम करेंगे, सख्ती से काम किया जाएगा। अब बाजार की अव्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देंगे हम। शहर को देखते हुए क्या व्यवस्था रहेगी अब, किसी जैसे तिरपाल लगाना या झंगा रोकना ज्यादा या लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना? शहर की व्यवस्था, जिस दुकानदार भाई ने भी तिरपाल या टीन शेड लगा रखा है अपनी दुकान से आगे, वो सब हटवाए जाएंगे। दुकान के आगे तिरपाल टीन शेड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। और जो हमने रेखा खींची उससे आगे जिसका सामान होगा, चालान होगा, अब 2000 से कम चालान तो किसी का होगा ही नहीं, सभी को पता लग चुका है। हमने पब्लिकेशन भी करा दिया, लक्ष्मण रेखा भी खींच दी, हमने खड़े होकर आज नंबरिंग भी कराई है, हम उनकी मीटिंग भी लेंगे। अगर उसके बाद भी कोई नहीं मानता है तो कानून से इलाज किया जाएगा। दुकान वाले की जो, जिस भाई ने दुकान ले रखी है उसकी टर्म कंडीशन है, उसने एग्रीमेंट भर के दे रखा है, अगर मैं इनक्रोचमेंट करता हूं तो मेरी दुकान की बोली रद्द कर दी जाएगी। फिर भी वो नहीं मानेंगे, हम उनको नोटिस देंगे, किरायनामा कैंसिल कर देंगे, हम कोर्ट से कैंसिल करवा लेंगे। कानून में रह के काम करें, हम कानून में रह के हम काम करेंगे। कानून का उल्लंघन हम किसी रेहड़ी वाले को, दुकानदार भाई को कानून का उल्लंघन नहीं करने देंगे। चेयरमैन साहब, लास्ट सवाल एक और है कि बावल नगर पालिका एरिया में काफी कुई ऐसी कई सी सीवर टूटे ढक्कन हैं जो खुले हैं और जो कि नगर पालिका निगरानी में नहीं है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, बरसात का सीजन है और कई जो पुराने कुएं खुले हुए हैं या कई सीवरेज का ढक्कन खुला हुआ है, पीछे भी एक डॉक्टर बनवारीलाल कोठी के पास एक नंदी कुएं में गिर गया था, तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो भी खुले हुए कुएं हैं, पर्सनल हैं, उनको भरवा दें, या अगर वो आम है, कॉमन जगह पे है, तो हमें उसकी सूचना दें, नगर पालिका में उसकी शिकायत करें या हमारा एमसी का ग्रुप बना हुआ है उस पर डालें। और जो भी सीवरेज ओवर फ्लो की समस्या थी, मशीन आने से तकरीबन हल हो रही है, या सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, तो तुरंत हम शिकायत करते हैं, ठीक हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो पुराने कुएं हैं, खुले हुए हैं, और जो सीवरेज के ढक्कन टूटे हुए हैं या बरसात के मौसम में कोई नाला टूटा हुआ है, ताकि कोई हादसा ना हो, तो उसकी सूचना हमें नगर पालिका को दें, हमारे किसी पार्षद साथी को दें, सचिव महोदय को दें, या हमारे एमसी का जो ग्रुप है उस पर डाल दें, या नगर पालिका के कर्मचारियां, ऑफिस खुला रहता है हमेशा, शनिवार और संडे को भी हमारा ऑफिस खुला रहता है, तो उससे संपर्क करें ताकि कोई अनहोनी ना हो। तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि इसकी जो हमें कुछ बातों का हमें शहर में पता नहीं चलता, शहर बड़ा है भाई, कोई कुआ खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है, तो हमें इस बात की सूचना दे दें, हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे, उसका समाधान करेंगे।